हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है टेंजेंट एनालिसिस पे। टेंजेंट एनालिसिस का ये आरएल सर्किट वाला पार्ट चल रहा है अभी, आरसी वाला उसके बाद आएगा। ठीक है, पहले हम आरएल सर्किट पे काफ़ी प्रैक्टिस कर लें, एक बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आरसी सर्किट की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस सर्किट में क्या देखा, करंट की वैल्यू पूछी गई है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। एक चीज़ गिवन है, आई एल ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, मतलब जो इंडक्टर से करंट जारी होगी वो उसकी वैल्यू गिवन है हमें। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, जो जो करंट इंडक्टर में जा रही है वही क्या मेरी आई, तो मैं इसको भी आई एल ऑफ टी कह दूँ, दे सेम ही करंट है दोनों। ठीक है, जीरो प्लस पे दे रखी है तो हमें पता है इंडक्टर जो होता है वो जीरो माइनस में भी सेम ही करंट देता है, इंडक्टर एकदम चेंज तो नहीं करने देता करंट को। ठीक है, तो जीरो माइनस पे ये रहेगी। अब तो यहाँ पे है क्या प्रॉब्लम, जो इस बार जो एलिमेंट आ गया वो डिपेंडेंट सोर्स आ गया, तो ये डिपेंडेंट सोर्स को कैसे हैंडल करना है ये देखना होगा। ठीक है, तीनों स्टेप पे स्टेप सेम रहेंगे हमें, अब तीन के तीन जो स्टेप होते हैं उनका पीछा नहीं छोड़ना। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करते हैं हम, टी जीरो टी कस्ट जीरो माइनस पर करंट फाइंड करते थे जो कि ऑलरेडी क्यों है, स्टेप वन कैंसिल। स्टेप टू में क्या करते थे, जीरो प्लस पे क्या करते थे, सर्किट ड्रॉ करते थे और बाकी के एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करते थे जो भी दे रखा होता। फिलहाल यहाँ पे करंट जो इंडक्टर की ही पूछी गई है तो सेकंड स्टेप भी कैंसिल हो गया, थर्ड स्टेप आ गया डायरेक्ट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। तो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या करता है ये जो इंडक्टर है, शॉर्ट हो जाता है हमें पता, स्टेप थ्री बढ़ गया सीधा। स्टेप वन और टू हमें ऑलरेडी ने समझ लो गिवन थे, तो स्टेप नंबर थ्री तीन स्टेप में करते हैं। अगर पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो मेरे, तुमने एट टी कस टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, इंडक्टर तो हो गया क्या शॉर्ट सर्किट, तो सर्किट को इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इंडक्टर अगर शॉर्ट सर्किट कर ही दिया तो किस टाइप का दिखेगा हमारा सर्किट, 10 ओम इंडक्टर हो गया शॉर्ट। ठीक है, बाकी का सर्किट ड्रॉ कर लो इंडक्टर को शॉर्ट करने के अलावा, ये आ गया 40 ओम। करंट किस पे निकालना है, करंट की डायरेक्शन जो आई ऑफ टी की थी वही सब में रखनी है, ये हो जाएगी आई ऑफ इन्फिनिटी, टी कस टू इन्फिनिटी पे निकालनी है, ये हो जाएगा कितना आई एल लिख लो चाहे। ठीक है, 0.5 आई एल ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 आई ऑफ इन्फिनिटी इधर आ रही है, 0.5 इधर चली गई, केसीएल की हेल्प से हमने इस वाले इस पॉइंट पे लगाया केसीएल, तो 0.5 इधर जा रही है तो 0.5 इधर भी जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, केवीएल लगाता हूँ। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, और वैसे भी इसमें तुम ध्यान से देखो कोई सोर्स है नहीं, तो आई ऑफ इन्फिनिटी 0 ही आने वाला है, फिर भी हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दिखाने के लिए डायरेक्ट नहीं करूँगा, फिर कहोगे कि डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो लगाओ केवीएल 10 इंटू आई ऑफ इन्फिनिटी, 10 ऑफ आई ओ आई एल ऑफ इन्फिनिटी और 0.5 किससे करेंगे, 40 0.5 आई ऑफ आई एल ऑफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पूरा लूप में घूम गया मैं, तो जाएगा आई एल ऑफ इन्फिनिटी या जाएगा 20 आई एल ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, 0.5 की 20 से की था, 0.5 की 40 से की था, 20 आ गया, ये हो गया कितना 30 आई एल ऑफ इन्फिनिटी इजिकल्स टू 0, तो आई एल ऑफ इन्फिनिटी यहाँ से कितना आ गया 0 एम्पियर। ठीक है, अब क्या निकालना हो, ये टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट तो रह गया, उसके बाद में क्या कर दूंगा आई ऑफ टी निकाल दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट निकालते हैं टी कस टू जो इन्फिनिटी पर सर्किट बना हुआ है वहां पर बस इंडक्टर को हटा दो, इंडक्टर क्योंकि इंडक्टर के वहां से हम क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो टी कस्ट इन्फिनिटी पर हमारे पास सर्किट है और अब इसका मैं सर्किट रीड्रॉ करता हूं, तो अब क्या कर रहे हैं हम फाइंडिंग टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो बनाओ टाइम कांस्टेंट के लिए 10 ओम, इंडक्टर जहां लगा हुआ था वहां से हटा दिया उसको, और यहाँ पे ओरिजिनल जो करंट दे रखी थी वो कितनी थी आई ऑफ टी। ठीक है, बस इंडक्टर को हटाना, बाकी का जो भी चीज दे रखा है तो सेम रखना, बाकी का कोई चेंज नहीं। ये हो गया 0.5
आई आई एल लिखा यहाँ पे, ये आई ऑफ एल टी, ठीक है। और ये कितना हो गया 40 ओम, ठीक है। अब मैं एक कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आर टी एच फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, जब जब हमारे सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स आ जाता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सॉरी डिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इस सर्किट को हम कहते हैं डेड सर्किट। अगर तुमने मेरे सर्किट थ्योरम्स की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, और उसमें जाके तुम देखो तो इस तरह का प्रॉब्लम मिल जाएगा। थेवेनिन इम्पीडेंस वाले सेक्शन में जाके, उसके उस वाले प्लेलिस्ट में जाके, तो ऐसे जो सर्किट होते हैं उनके जो हम इम्पीडेंस निकालते हैं, थेवेनिन इम्पीडेंस निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जब डिपेंडेंट सोर्स होता रहता है, डेड सर्किट होता है, यानी केवल जो डिपेंडेंट सोर्स होता है उसमें कोई अलग से इंडिपेंडेंस करंट या वोल्टेज सोर्स नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अलग से एक सोर्स लगाते हैं, उससे एक करंट फ्लो कराते हैं, उन्हीं दोनों का रेशियो क्या देता है, मुझे थेवेनिन इम्पीडेंस देता है। तो मैं यहीं पर भी वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे करेंगे हम, क्या करेंगे, कहाँ पे लगा हुआ था इंडक्टर, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये इसकी पोलरिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलरिटी किस हिसाब से लेनी है, पोलरिटी इस हिसाब से लेनी है, ओरिजिनल प्रॉब्लम को देखो जहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक होगी। यहाँ पे इसको देखना है, इंडक्टर को देखना है, इंडक्टर के अक्रॉस अगर ये करंट है जा रही है, तो प्लस माइनस इस तरह से पोलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें पता है, जब इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से और सोर्स लगाऊंगा, तो सोर्स के प्लस टर्मिनल से करंट निकलती है, ठीक है। तो प्लस टर्मिनल से करंट निकलती है, तो सोर्स लगाने के बाद करंट जो निकलनी चाहिए वो तभी निकलेंगी ना, जब इस वाले को प्लस करूंगा, तो यहाँ से ये करंट निकलनी चाहिए, ठीक है। तो पोलरिटी इस तरह से ली जाएगी, ध्यान समझ आया किस किस तरह से ली, क्यों ली गई, इस तरह की ओरिजिनल प्रॉब्लम में गए, वहां पे देख हमने पोलरिटी मार्क करी किसकी, इंडक्टर की, जो इंडक्टर की पोलरिटी थी वही यहाँ पे क्या करनी है, वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी मार्क कर देनी है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम यहीं पे करना, जो इंडक्टर की पोलरिटी थी वही यहाँ पे बैटरी की पोलरिटी कर देनी है। देखो यहाँ पे इसकी पोलरिटी कैसी थी, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि करंट इसके प्लस में आएगी नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। इस तरह से ही होता है, तो जो प्योरिटी प्लस माइनस यहाँ थी, प्लस माइनस ही वहां पर कर देंगे, सेम यहाँ पर कर दिया। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, आई ऑफ टी क्या है? इसके इसमें को आ रही है, लेकिन हमें जो चाहिए आर टी एस के अकॉर्डिंग, इसका इसका वोल्टेज मैंने माननी है वी है, ठीक है। और इससे जो करंट जानी चाहिए, मैंने कह दिया चलो वो आई है, एक मिनट के लिए मैं कह देता हूँ, ठीक है। तो आर टी एच के यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो वोल्टेज होता है अपॉन करंट का रेशियो। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, आई में और आई ऑफ टी में कोई रिलेशनशिप है, दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं आई की जगह मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, आई जो है मेरा, लेकिन आई जो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ आई ऑफ टी के, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आर टी एच का फॉर्मूला क्या बन गया ये बताओ मुझे यहाँ से, ये कितना जा वी अपॉन माइनस ऑफ आई टी। तो मुझे ये चीज पॉइंट करनी है, वी अपॉन माइनस ऑफ आई टी, ये चीज मैं निकाली, वही मेरा क्या हो जाएगी, थेवेनिन इम्पीडेंस हो जाएगी, ठीक है। कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब तो बस यहाँ ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को हटा दूँ आई को, अब मुझे उसके साथ रिलेशन तो पता चल ही चुका है, इसका कोई यूज नहीं, ये जी आई टी इधर जा रही है, इधर अंदर तक घुस जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से, 0.5 आई एल ऑफ टी इधर आ गई, ये आई एल एफ टी है, 0.5 इधर निकल गई, तो 0.5 इधर भी जाएगी भैया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, केवीएल लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये आई एल ऑफ टी यहाँ से ऐसे करके जा रही है, ठीक है। मैंने क्या करा, ओरिजिनल जो करंट थी उसके साथ रिलेशन फाइंड करके बस केवल आई एल टी में चेंज कर लिया, ठीक है। तो बस मैं केवीएल लगाता हूँ, यहाँ से शुरू करूंगा, बार बार वाले में लगा दूंगा, टेन टेन आई एल ऑफ टी प्लस वी, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज प्लस पहले प्लस वी मिला, और उसके साथ 40 वाले के साथ मल्टीप्लाई, 0.5 आई एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से मुझे क्या करना, वी अपॉन माइनस ऑफ आई टी का
वो फाइंड करना रेशियो, वही क्या मेरा हो जाएगा, थेवेनिन इंपेडेंस हो जाएगा। टेन आई एल ऑफ टी ये जाएगा वी, ये जाएगा 20 आई एल ऑफ टी इजिकल्स टू 0, तो यहाँ से ये भी है, तो ये हो जाएगा वी प्लस 20, ये हो जाएगा 30 आई एल ऑफ टी इजिकल्स टू, ये सॉरी यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, तो 0 है, 0 ठीक है। वी इजिकल्स टू कितना आ गया, -30 आई एल ऑफ टी, यहाँ पे माइनस आई एल ऑफ टी का दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, इजिकल्स टू 30, ये क्या था मेरा आई टी एच, तो ठीक है। देखो कितना आसानी तरीके से हमने क्या कर लिया, थेवेनिन इंपेडेंस फाइंड कर लिया। अब टाइम कांस्टेंट निकाल दो, टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरएल सर्किट के लिए, आरएल सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है एल बाय आरटीएस। एल की वैल्यू कितनी दे रखी थी सर्किट में, सर्किट में 6 दे रखी थी मेरे हिसाब से, मैं देख लेता हूँ एक बार, ये रहा 6 हेनरी दे रखी थी ठीक है, 6 और ये आया 30, ये कितना आ गया 1/5 सेकेंड ठीक है। अब निकाल दो जो भी पूछा था हमसे करंट की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी ठीक है, आई ऑफ इन्फिनिटी आई ऑफ 0 प्लस माइनस आई ऑफ इन्फिनिटी ई की पावर -t/tau, ये होती है करंट की इक्वेशन ठीक है, शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं। इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी शायद, मैं एक बार देख लेता हूँ, 0 और 0 प्लस पे तो ऑलरेडी क्विंट थी, इन्फिनिटी पे आई थी 0 एम्पियर, यहाँ पे देखो ये आई थी, और उस पर ऑलरेडी क्विंट थी 2 एम्पियर, तो 0 और 2 लगा देंगे, ये आई थी 0, ये दे रखी थी मुझे 2, ये 0 आई है, ई की पावर -t, और ये इसकी वैल्यू आई है 1/5 ठीक है। इसको बस सोल्व कर दो, यहाँ से ये आई एफ टी कितना आ गया, ये आ गया 2 ई की पावर -1/5, ऊपर जाके 5 बन जाएगा ठीक है, ये आ गए इसके आंसर 2 ई की पावर -5 t एम्पियर, किसके लिए, टी ग्रेटर देन 0, ये क्या है इसका आंसर ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, अगर डिपेंडेंट भी आ जा रहा तो हमें अपना कंसेप्ट चेंज नहीं करना, सेम चलते जाना, जो चीज़ आ जाएगी हमने पुराने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उनके हेल्प से हम निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अभी एक दो एक एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे आरएल सर्किट पे, फिर आरसी सर्किट की तरफ बढ़ेंगे ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।